नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बता दिया गया है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन और इसका कंप्यूटर का विकास। ये दो टॉपिक रहेंगे, तो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें ध्यान रखें कि ये जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन के लिए भी लागू है। तो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ये है कंप्यूटर का डायग्राम। कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है उसके अंदर तीन इकाइयां होती हैं, मेमोरी यूनिट जिसको एमयू भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और सीयू कंट्रोल यूनिट, और एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये तीन इकाइयां होती हैं। इन तीन इकाइयों से मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है, और यह है कोई भी हम डाटा इनपुट करवाते हैं, इनपुट कराने का जो डाटा का माध्यम है वो कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है। इसके द्वारा हम कोई भी डाटा इनपुट करवाते हैं यानी प्रवेश करवाते हैं, कच्चे आंकड़े, वो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू से होकर ही आगे आउटपुट यूनिट की तरफ जाता है या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोरेज होता है। तो इसमें इनपुट यूनिट और ये प्रत्येक पाठकाल अलग अलग चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले इनपुट यूनिट नॉर्मल बता देता हूँ, यानी जो जिसके माध्यम से हम डाटा इनपुट करवाएंगे वो इनपुट यूनिट होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है कि कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखना, और वो कहाँ पर सुरक्षित रखी जाएगी मेमोरी यूनिट का काम होता है। कंट्रोल यूनिट का अर्थ होता है ये मेमोरी यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और पूरी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का यानी कंप्यूटर का पूरा पूरा नियंत्रण कह सकते हैं आप कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। एएलयू के अंदर अर्थमेटिक यानी जोड़ बाकी गुणा भाग जितना भी होता है, मैथ का जितना भी काम, वो सारा इस यूनिट में होता है एएलयू में। और कोई भी डाटा को हम यदि सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर वो डाटा हम डाल देते हैं। हमारे द्वारा प्रवेश करवाए गए डाटा को यदि हम बाहर निकालते हैं तो वो आउटपुट यूनिट के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे हमने इनपुट करवाया कीबोर्ड के द्वारा, टाइपिंग कर दी कोई चीज़, तो वो प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल जाएगी हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गई प्रिंटर। कोई भी डाटा एंट्री करवाते हैं इनपुट डिवाइस, बाहर निकालते हैं उसको, जिस माध्यम से हम बाहर निकालते हैं वो आउटपुट डिवाइस हो गया, और कोई चीज़ को स्टोर करेंगे वो उसकी मेमोरी हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर के जो डायग्राम है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर है वर्गीकरण और कंप्यूटर का ऐतिहासिक विकास। इसका विकास जो है वो पहली पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक का मैंने पहले पढ़ा दिया है, और वर्गीकरण जो है वो हम आज अध्ययन करेंगे। ये है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का मुख्य रूप से तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है अनुप्रयोग यानी काम के आधार पर, कार्य के आधार पर, और तीसरा है आकार के आधार पर। उद्देश्य के आधार में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, इनका विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, और आकार के आधार पर होता है चार प्रकार, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप, पापटॉप और पर्सनल ये कंप्यूटर इसी के अंदर आ जाते हैं। कई बार अलग से पूछ लिया जाता है तो 5-6-7 प्रकार के उत्तर भी सही माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चार ही प्रकार के होते हैं। तो इसके उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों को अनेक प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता प्रदान की जाती है, लेकिन यह कार्य सामान्य होते हैं। यह एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं।
तो हम जैसे चौथी पीढ़ी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे ऑफिस में मान लो कॉलेज में हम काम लेते हैं, तो वो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, क्योंकि उससे हम जोड़ बाकी भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, यानी ए टू जेड काम उससे कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें दक्ष नहीं है, काम हर प्रकार का करेगा लेकिन उसमें दक्षता नहीं है, पूरी दक्षता नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसको सामान्य उद्देश्य हेतु बनाए गए, यानी हर काम को करने वाला कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य है। उसके बाद है, इन कंप्यूटरों में निर्देशों के क्रम को स्थायी रूप से आंतरिक संग्रहालय इंटरनल स्टोरेज में संग्रहित नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें एक इनपुट डिवाइस से पढ़ा जाता है तथा जब तक उसकी आवश्यकता होती है उन्हें आंतरिक मेमोरी में रखा जाता है। आंतरिक परिपथ में लगे सीपीयू की कीमत भी कम होती है। जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग दस्तावेज तैयार करना, डाटाबेस बनाना, विद्यालय में बच्चों को सिखाने के लिए, कार्यालय कार्यों में और मनोरंजन के लिए। आगे है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। जब किसी कंप्यूटर का निर्माण विशिष्ट डाटा के कार्यों को कुशलता से करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहा जाता है। अतः ये कंप्यूटर किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने में ही दक्ष होते हैं। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए उसे तैयार किया गया है। इसमें यदि अनेक सीपीयू की आवश्यकता होती है तो उसकी संरचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। उपयोग इसका अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के अस्त्रों का नियंत्रण, उपग्रह संचालन, भौतिक एवं रसायन विज्ञान में शोध, चिकित्सा, यातायात नियंत्रण, समुद्र विज्ञान, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए स्पेशल, इसमें जैसे जो मशीन पहले चित्र दिया मैंने सोनोग्राफी, तो ये सिर्फ सोनोग्राफी के अंदर ही परफेक्ट है। आगे दिया है मौसम विज्ञान, तो वो सिर्फ मौसम विज्ञान या जो एक ही काम के लिए जिस काम के लिए बनाया गया है उसी की जानकारी देगा। तो ये इस प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही कार्य में दक्ष होते हैं, उससे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उससे हम ए टू जेड काम करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जो स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं उससे हम सिर्फ एक ही काम होगा और उस कार्य के अंदर वो दक्ष होगा। आगे वाले जो प्रकार हैं वो हम अगले टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे।